तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी भाई नहा रहे हैं। आता है भैया थेरेडे नहीं जैसा तो कैमरा पकड़ लाए स्टार्ट हो रहा है, नहीं बोलते हो आवाज बहुत सकली रहते हैं, तो जुड़े रहे ना, मिलते हैं आगे। अभी डायरेक्ट सोमनाथ मंदिर के यहाँ पे या कुछ खाने को जाना है उधर जाके। असं ना के रे करण तुझं बैगन, अरे नाकाला काहीतरी करा रे कोणीतरी, ह्याच्या आईच्या गावात ह्याच्या भोण्यावर नाकच आवडते। दुख है भाई, दुख है, जिंदगी में दुख है और दुख के सिवा कुछ भी नहीं है भाई। काय बोलतो देखते उधर कुछ बना तो टाइम स्लैब बनाएंगे। नहीं क्या बनाएंगे टाइम स्लैब, कुठे बनवायचं टाइम स्लैब करा स्लैब तू टाकला ना तुझ्या ऑफिस मध्ये, टाइम स्लॅब कुठे बनवायचंय तुला? अरे माझं नको ना, अरे काय नको बघू, टाइम स्लॅब काय असतं भावा, हे बघ या कुछ खाने को जाना है उधर जाके देखते उधर कुछ बना तो टाइम स्लैब बनाएंगे। टाइम स्लैब बनाएंगे, काही बोलतात रे मनातील ते टाइम स्लैब। अरे अरे नीट ऐका रे समोरचा काय, टाइम लॅप्स भाऊ, टाइम लॅप्स इंग्लिश तिकडचं ना गोरखपूर साइडच, नाही बनाया तो नाही बनायंगे भाई, सिंपल है, नहीं बनाया तो नहीं बनाएंगे भाई, सिंपल है। बाप रे ये कौन के खाने के लिए कौन है के पूरा, ये देखो ढोपका कौन है, और देने खाओ। इससे मैंने तेरी राहत की है बरसो, तू सवादा है कोई पर का नहीं देखा होगा। अक्का मूड झालो रे, मी एकटा गाणं मस्त गात होता का, याने माझा कॅमेरा मारला आणि मला म्हणतो आता का, अरे कसं गाणं मला कॉन्शियस केला त्याने यार। ब्लॉग की सुरुवात कालची व्हॉट्सअपची जुमी कशी होती, ये देखो मुंह में देखो चॉकलेट, अरे हाथ है ना ये तेरा, ये चॉकलेट खाना है तुझे पूरा, आई नो, बट ये क्या है लिपस्टिक की जगह पे ये गाना, तो गाओ जीवन तू ना जा मेरे बाद प्लीज, नहीं तो मैं रोया प्लीज, मेरे मेरे लिए मैं रोया तुझे देख देख के, रात भर सोया चैट देखे बिना, तू छोड़ के चली जाएगी दिल कैसे रह पाएगी, आरपी याद आएगी है ना। लक्षात नव्हते ते का त्याला मी बोललेलो, श्रीमानी जिथे जिथे गाणी गायली ना ती कटच केली ना तू, तर तुझा गळा दाबीन बोललो, ठेवतो ठेवतो ठेवतो, पोरगा चांगलाय ऐक। टी शर्ट छान आहे, टी शर्ट में क्या लिखा है भाई, मर्चेंडाइज फर्स्ट भगवान की दार पे, टी शर्ट छान है, टी शर्ट में क्या लिखा है भाई का मर्चेंडाइज फर्स्ट भगवान मर्चेंड, कुठली मर्चेंडाइज, अरे थेरड्या, अरे दोस्ता मुंबई मीटअपचा जो व्हिडिओ बनवायचा होता तेव्हा आला, इतका स्ट्रगल झाला ना ते बोलायला, काय माहिती किती रिटेक केले असतील त्याच, त्याला माहिती बाबा एवढा वेळ आला, मर्सिडीज मर्चेंडाइज शिकवले मला सर, द्वार द्वार ये है 500 का शर्ट, 60 रुपये कुर्ता, 150 रुपए जैकेट, 100 रुपए लगा हुआ शर्ट। सूरत पे लगा हुआ शर्ट, ये सब पे फ्री मिला है वो। दोस्तों देखो पूरे खरीदी पे फ्री टी शर्ट, अब ऐसे कर झुक के मत, हम भी हो हम भी वापिस आ जाओ, अरे आता ना होणार, हम भी प्लीज वापिस आ जाओ, वो मत मानो अभी एकदा, मला हे दे ना सिरम, याला ना याला बघ हे ना, हा हा कंटाळतो करण माहिती का, आता आपण तो वैथकतो पटकन रे, मी सोहायला पाहिजे रे, तो आहे ना 50-60 वर्षाच्या म्हाताऱ्या अर्घ वागायला लागल्या रे, अशी फील येते मला, एक बार आम्ही प्लीज आम्ही प्लीज आम्ही प्लीज आम्ही बहुत पैसा लागतो जेवणावर कसला उचकला, एक बार आगे कितने बाल बटे होते पता झुपके घे ना सर, जबरदस्ती विचाराने केलं फायनली आम्हाला कंटाळ, वो केश कांति की जो ऐड आते ना उसमें तेरे को भी लेना चाहिए बाल कैसे बड़े तेल लगा के, इंदुलेखा इंदुलेखा असर है क्योंकि असल है।
आखिर जय सोमनाथ जी, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ महाराज। ऐसे दिखोगी तुम, तने दिखो। बाप रे, दोग भक्त गण है सका दोग असल भक्त दोस्तों, ये दोनों ही है। इन दोनों को जो नॉलेज है, या लोकांना नॉलेज है ना सगळ्या गोष्टींचं, एकदम खतरनाक आहे का। म्हणजे यांच्या सोबत देवाच्या जे देवधर्माच्या गप्पा किंवा अशा पुरा म्हणजे पुरातन गप्पा वगैरे मारायला बसताय ना, मस्त वाटतं, रिलॅक्स वाटतं। हा मला पण नॉलेज आहे का, नाही सांग खरं। फील नाही आलं रे कधी एवढं। बघा माझं फक्त तोटा बोललेला फील येतं का तुम्हाला, देवाचं बोल का फील नाही आलं। तुला बाकी नॉलेज खूप आहे, देवधर्माचं थोडस जरा लॅक ऑफ प्रॉब्लेम होतो। बाकी कुठलं म्हणजे बाकी मालवण पर्यंतची ट्रिपचा अनुभव तो आम्हाला श्रीमान तुला माहिती का सगळ्यांचे पट्टे एकमेकाच्या हातात आहे, करण भाऊ प्ले करू द्या। बाप रे, डेंजर काम जालिंदर लग रहा। अच्छा लुक अच्छा आ रहा तुमको, बेस्ट है। नहीं मेरे को एलर्जी होता है। देखा दोस्तों, देखा ये शर्मा रे। बाप रे, एलर्जी होते है। एलर्जी, अरे यार रखड़ माणसाला एलर्जी होत असेल का रे। हा कसली रे एलर्जी होते तुला बाबा, कराची काय प्रॉब्लेम होता कराला। अरे बाबा क्रीम लावलेली। ओ येस, सनस्क्रीन का नाही रे, म्हणजे ट्रीटमेंट झाली त्याची। अच्छा ट्रीटमेंट झालोय करण। अरे मला ना म्हणजे उन्हाचा त्रास होत। बाप रे, म्हणजे भानो चेहऱ्यावरती क्रीम, म्हणजे सुंदर दिसायची ट्रीटमेंट चालू आहे। म्हणजे बघा आता तो कवळा होत जाणार आणि नुसता धावणार हिरवळीमध्ये। तो मगाशी तू प्राणी कुठला दाखवला, खेचर 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 हा तोच बनणार आहे, भागडणार इकडे तिकडे। किती एक्सप्लेनेशन दिलं रे देवा, हम बड़े तो है हाँ, और कभी अपने से भी छोटे बंदे तो रहेंगे ऑब्वियसली। या जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अपने अंकल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो मुझे एक बात बता, उस दिन वो छोटे लड़के ने, वो छोटा नहीं था करण जी, उसका फोटो आया है व्लॉग में, वो प्रॉपर एक रद्दड़ व्यक्ति था, ऊंचा हुआ आम था वो, और वो आपके जितना ही था जो आपको अंकल बोल गया। मुझे दर्द हुआ, और मुझे जिसने अंकल बोला ना, वो मेरे से कम 10-15 साल छोटा था सर जी, वो छोटा गचकुंडा था। मुझे गुस्सा तो हो रही है, मंदिर में आके मैं 2 बार पाव पड़ो श्रीमान के ब्लॉग में। अरे थेरडे आ, अरे तुझा चेहरा बघ कुठे चाललाय, आणि तू आम्हाला अंकल बोलला, 10-15 वर्ष लहानस तू। अरे ती केटीएम घेऊन काय काय करतो मलाही माहिती आहे। मालवणला काय राईट मारत होता आम्हाला काय माहिती नाही, कळलं का? बोलू का। और फायनली हो चुका आहे। चल बाबा, टिक्का लागा। इथे करण शांत झाला असेल की आता चॅट मध्ये कोण काय बोलणार नाही बाबा, टिक्का तरी लावून घेतला। अरे ना श्रीमंत, तू पण लावला ना टिक्का। अरे मी तर मंदिरात लावला। अरे ना मी बाहेर ला। अरे बाबा आता मी बोललो, चल आले यार, काय लावावं, मी लावला। ओरिजिनल जो शेर आहे उसका मैं देखने जा रहा हूँ, ठेपला वाक। ये देखिए, और मेरी एक इच्छा है, जिस कारागिर ने ये ठेपला वाक बनाया वो ये लास्ट का वाक रहे, इसके बाद ना ही कोई वाक बनाए, क्योंकि काट दिए इन्होंने। देखो ये बोला, ये लास्ट का वाघ है, इसके बाद जितने वाघ बने उनको काट के फेंक दिया दोस्तों। ठेपला वाघ प्रचारित रहे इस वजह से। त्याची आवाज टाइट झाली, चपाती बनाते चपाना बनाया, थप करके खाप दिया। वाघ जो है ना थोड़ा यूनिक ही लग रहा है मुझे, बट है अच्छा है। तुम्हारे अगर वो गिर का वाघ इधर चुको ना आया ना, उसको इतना काम नहीं, मेरे को पहले उसको नजर गया ना तो मुझे वाघ जैसा फीलिंग नहीं आया। बिल्ली लगी, हाँ बिल्ली जैसा फील आया, बट वो वहाँ के उन्होंने बोला। शेर दिख चुका है, एक पति सॉरी पत्नी और उसका लवर पत्नी का, इसने अब भी जिसको मारा, क्योंकि जरा देखना नहीं है, फिर भी वो पीछे खड़ा है क्योंकि वो मजबूत है,
मिनट वाला पटनी थोड़ी सूखी हुई है बट अल्ट्रो इट्स ओके ये गेला नवरा गेला पति गया वकील के पास डिवोर्स मैं इनोवा में चल रहा हूँ और जंगल की मतलब एंटर हम कर चुके हैं जंगल में जंगल की एंटर हम कर चुके हैं मतलब जंगल में का है रे देवा टाइप का जुगाड़ है मेरे हाथ में मतलब मैं दिखूंगा शायद आपको अभी हमने एक जगह पे आए फ्रन गियर फॉरेस्ट रिसोर्ट तो कंदीलों को टिकाल लाए तो कैमरे को टिकाल लाए आय ची कट कट यान बेभाम आड छोड शूटर मध्ये आपण आहेच त्याच कॅटेगरी मध्ये हां तो रात्रीचा ना तो गोप्रो आहे ना भावा तो कुत्तू रे अक्षरशः कुत्तू भावा अरे मग समोरून मार ना कुत्तू येत त्या गोप्रोवर काय मारतो लाईट मेंटल त्याच्यावर लाईट मारलेली का तू चांगला दिसणारस का ट्रायसेट मॅन ऐसा कुछ रिसॉर्ट है दिखाता हूँ मैं आपको इधर ना हर एक मतलब लायन बियन ऐसे ही रिसॉर्ट है रे लेकिन ये जंगल में प्रॉपर देखो ये रिसोर्ट है अभी इधर हम रूम देख रहे हैं और इधर ना शायद कुछ अलग हमको जो चाहिए ना देवा तो कंदील रे संताप होते रे मतलब असा ठेवलाय त्यांनी जकुजी अरे असं नाही रे करण ज्या अँगलनी कॅमेरा असतो त्याच अँगलनी तोंडावर मारत असतो रे लाईट नल्ल्या रिसेप्शन देखो आपको रिसेप्शन दिखाता हूँ बाइक में आन लेना तुम चलाओ क्या कर रहे हैं मालूम है अभी खाना खाते है इसके बाद रूम पे सोने का फिर काम 25 कल सुबह जंगल में बरोबर ना शेख बरोबर शेख बरोबर हमें यहाँ पे कुछ नहीं त्याची इच्छा पण नव्हती तो विचार काय होणार काय आणि अरे बरोबर ना बरोबर पोटावर उचकलेला का माहिती का त्याला नव्हतं भेटलं जेवण त्या टाइमला हो नंतर बोला ना मला जेवण पाहिजे बाबा कुठेही जायला लागलं तरी मला जेवण पाहिजे रूम पे जाणे और मतलब गलती हमारा है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लेट आए तो गलती पूरा हमारा है क्योंकि हम निकलते टाइम ही लेट निकले जब हम रूम पे खड़ा था रूम का नंबर क्या मालूम है दिल वालों के 143 ये मेरे रूम का नंबर है 143 देखा और ये इसे हमारे यहाँ पे इस बार डायलॉग नहीं मारा जाना है और मैंने विला तो आपको दिखा दिया विला ये ऑलमोस्ट विला ही है मज़ा आया लेकिन खाना कुछ मिला नहीं लेकिन घूम के तो आए जंगल में घूम के आए और दो भाई है ना कभी नहीं गई है वो कहाँ पे नहीं मालूम दरवाजा खोलो ना भाई साहब देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हमारे रूम का नंबर 143 है भाई साहब कोणी एवढी सफाई मागितली तुझ्याकडे की रूमचा नंबर 143 आणि 143 वाला का सोनं लागले का आतमध्ये आय लव यू रूम सर्विस तो मैं अभी आ गया रूम पे चिल लाइफ मारो उड़ी चिल ब्रो यही लाइफ होनी चाहिए गाइस अभी ये मेरा मैं खाना दिखाऊंगा आपको क्या क्या आया है मुझे मालूम नहीं है लेकिन क्या ऑर्डर दिया इन भाइयों ने तो वो दिखाऊंगा और उसके बाद बंद फिर कल डायरेक्ट शेर देखने जाएंगे ना ब्रो रात का चुम्मा मेरे को थोड़ा अंडा करी अरे अरे आप पनीर खा रहे यार और अपना वो ईयर है ना वेज प्योर वेज करी हाँ रात्री मी एकटा दसत असतो नावांची जी आपण म्हणजे नाव जी जन्माला आणलेत ना या दोन चार वर्षात एक अख्खं गाईड भरेल रे नावांनी लोक बोलतील हा आयटम आहे आता एखादा पोरगा गेला की श्रीमाने टेल्ला घरी खाल्ली होती बघूया काय आयटम आहे आणि तो गेला भाई मुझे टेल्ला करी दो एक प्लेट समज टेल्ला करी आहे का अरे लय विचित्र शब्द ते टेल्ला एक डिक्शनरी म्हणे डिक्शनरी आईची कटकट डंग टडडा डंग डडडा डंग 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 डडंग डडंग राक्षस अरे ग अरे पण तो खरंच राक्षस आहे तुला सांगतो गरुडाला ना सटर बटर खायला इतकं लागतं ना बाबा त्याला कंटिन्यू फ्रॅम्स ते केळ्याची वेफर्स बॉ
कुरमुरे बुरमुरे तो कंटिन्यू खात असतो भाऊ, त्याला ती घाणेरडी सवय, तो सोडत नाही त्याला ते आणि यानीच तो झाडा आलाय, त्याला कंटिन्यू खायला लागतं. ते असं नाही की दोनच टाइम जेवलो मग राहा शांत राहा काय नाही, त्याला कंटिन्यू कुठे थांबलो टपरीवर चहा घे, कुठे थांबलो टपरीवर कुरमुरे घे, कुठे थांबलो टपरीवर लेज घे, कुठे थांबलो टपरीवर बालाजी घे, त्याचं तेच चालू असतो भावा. ब्रो मेरा भाय तुझ्या नाकात पाय मी करू मी काय तुला सांगू मी काय कचकच खातोय सँडविचचे पाय नानाचे टाइम आता करू मी काय. गाइस आपको मैं बोला था मैं खाना दिखाऊंगा आपको, अभी मैं खाना भी खाऊंगा, आप भी आ जाना मांगते हैं तो खा आ सकते हो. बड़ बड़े मिर्ची तो देखो कितनी. तो गुड नाइट, फाइनली अपन मिलते हैं कल सवेरे सफारी पे जहाँ पे अपने को शेर देखने. ओके मिलते, गुड नाइट चुम्मा. अभी चुम्मा तो दे सीमा, रात को तेरा चुम्मा जरूरी है. क्या तो भी आई चिकट कट.